तेरे दुखों ने मेरा कलेजा फाड़ दिया है। इसका ये सबूत तेरे पास? मेरी बात का विश्वास करो, ये कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस सी काबिले इलाज मर्ज है। मेरा हर दुख का इलाज। देख देख कैसी बदतमीजी करके गई मेरे साथ ये। चुप कर तू, एक लफ्ज भी नहीं बोलना अब। चंद दिन का साथ है हमारा, अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ गुजार लो, वरना तमाशा लगोगे सब। जब भी आपको शादी का बोलती हो आप अपना कोई राग लगा देते। तो मुझे भी ना बताओ ना। मुझे क्यों बता रही हो? जब मेरे पास पैसे होंगे मैं ब्याह कर लूंगा, जब दिल करेगा, वरना तुम मेरी मजबूरी नहीं हो। अच्छा ठीक है, तो फिर ये टेस्ट करा के हम घर जाएं। टेस्ट करा के आप मेरे पास वापस आइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। आइए। वो जी आपकी नर्स माला रानी की जगह मुझे बुला लाई। क्या नाम है आपका? नंदिनी, नंदिनी कुमारी। मुझे इलाज के लिए बुलाया है ना? नंदिनी, ऐसे मौके पर हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ तुम्हें बता रही हूँ कि माला रानी माँ बनने वाली है। क्या? क्या? नाजीना, ये बिल्कुल झूठ है। अरे वो तो बहुत पगली मासूम सी बच्ची है। मासूम बच्चियों के साथ ही ऐसा होता है, दरिंदे उन्हें फाड़ खाते हैं, और ये रिपोर्ट तो तुम्हारे सामने। नाजीना डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। देखो देखो आप लोगों की मशीनें खराब होगी। मैंने टीवी के ड्रामे में खुद देखा था, एक बार किसी की गलत रिपोर्ट थी। आप एक बार फिर टेस्ट करके देख लो ना। ये हमारा रोज का काम है, और एक्सीडेंटली कभी कभार ऐसा होता है कि लाखों लोगों में से किसी एक की रिपोर्ट गलत हो जाए। माला रानी को तो मैं देखते ही समझ गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैंने फिर भी उसके टेस्ट कराए। मैं जानती हूँ ये खबर बहुत बुरी है, लेकिन सच है। ये खबर मेरे घर को आग की तरह जला के राख कर देगी। नहीं नहीं, इसका भाई तो इसे मार डालेगा, और मुझे भी। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन अब तो जो होना था हो गया, तुम्हें किसी तरह ये मामला संभालना होगा। ये मामला नहीं है, ये पाप है। एक काम करो, देखो देखो इस कर्मजली को यहीं रख लो और इसको खत्म कर दो। मैं बहुत पैसा लगा सकती हूँ, जितना कहोगी मैं पैसा दूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी नंद को तीसरा महीना है, तो फिर वो एक अनमेरिड लड़की है, उसका एबॉर्शन करना जुर्म है, और मैं जुर्म नहीं कर सकती। पर क्यों? मैं डॉक्टर हूँ, फसाई नहीं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती। जीवन में आकाश चोपड़ा जैसा मजबूत मर्द है जो मुझे अपने पैरों पर बिठाकर उड़ेगा भी और कभी गिरने भी नहीं देगा। तू अपना सोच। रतनलाल और नंदनी एक महीने के बाद अपने मकान में चले जाएंगे। माला रानी के विवाह तक उन्होंने मोहलत मांगी है जो मैंने उन्हें दे दी। तुझे भी मोहलत दे रहा हूं, इम्तिहानों के बाद तुझे भी जाना होगा। सच्चाई की राहें सीता है औरत की वफाई सीता है चैन कहाँ अब सुख पाएंगे नैन कहाँ सीता के भाग में चैन कहाँ अब सुख पाएंगे नैन कहाँ अब सुख पाए।
उत्तर मेरे साथ। दीदी क्या हुआ? उत्तर दीदी कुछ नहीं। उत्तर मेरे साथ। ये फोन नहीं उठा रहा। कहाँ मर गया ये नामुराद? कहाँ है? कहाँ मर गया ये? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बताओ तुझे क्या हुआ है? तुझे बताऊंगी सुसरी, और किसे बताऊंगी? तुझे नहीं बताऊंगी। चल अंदर मार दो। दीदी क्या हुआ है? देख लूंगी इसे, और को देख लूंगी। दीदी छोड़ तुझे। अच्छा तो ये बात है, मुझे तो पहले ही शक था उस आकाश पर, जिसकी लोमड़ी जैसी शख्सियत है, कि उसने पूजा का पूरा इस्तेमाल किया होगा। पर हैरत है, उसके बाप को जरा भी शर्म नहीं है। क्या पता वो भी चमचा है आकाश का। पूजा कह रही थी कि बापू उसे जान से मार देता अगर वो आप पर इल्जाम ना लगाती तो। बहुत शर्मिंदा है वो आपसे। हाय मासूम बच्ची, फंस गई इन शिकारियों के जाल। मुझे तो आपकी फिक्र है, मैं मोहल्ले में आपके बारे में इतना कुछ सुनती हूँ कि शर्म आती है। आप ये घर बेच के मोहल्ला छोड़ दो, वरना किसी बड़े केस में फंस जाओगे। क्या हो गया कोमल? मैं कौन सा खुदकुश जैकेट्स बनाती हूँ जो फंस जाऊंगी? लोगों के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खिलाफ जंग में अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। दैट्स इट। लेकिन ये आकाश पढ़ले दर्जे का घटिया आदमी है और आपको पक्का दुश्मन। आज ये अब फिर हमला करने वाला है, होशियार रहना। अच्छा वो कैसे? अभी नहीं बता सकती, थोड़े दिन ठहर जाओ तो खुद ही देख लोगे। मुझे अभी भी अफसोस हो रहा है कि आप हम सबके लिए अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रही है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, बस तुम लोग हिम्मत ना हारो। अब देखो ना, तुम्हारा बचपन का ख्वाब था कि मैट्रिक करो, अब जब इम्तिहान पास कर लेगी तो हिम्मत भी आ जाएगी और पूरे एतमादी। चल चल दीदी, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो ना तुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। चल दीदी, मैं तो सोच रही थी अगर आपके और माला की सुलह आ जाती तो शादी के बाद हमें ये रख सिखाती, लेकिन इस बेचारी की तो अपनी ही जिंदगी में है रख सकती। कि तुम लोगों को क्या नाच करना सिखाई। चलो आ जाओ। थप्पड़ क्यों मारा? गलती हो गई, तुझे गोली मारनी चाहिए थी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने? कलमुई, तुझे क्या मुसीबत आ रही थी? बता, बता तूने क्यों किया? क्यों किया ये सब कलमुई? अभी बता नहीं तो खड्डा खोद के तुझे यहीं दबा दूंगी। दीदी क्या हुआ? क्यों मार रही हो मुझे? तुझे नहीं पता? नहीं जानती क्या हुआ? इस शादी से पहले माँ बनने वाली है तू, चंडाल छोकरी, बदमाश औरत। हाँ माँ, माँ बनने वाली है, इतनी भोली है। उस कुत्ते आकाश के साथ गुच्छरे उड़ा रही, तुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है? इतनी भोली ना बन। अरे मैं तुझे उस बदबख्त के साथ ही ब्याहने वाली थी, तुझे काहे की मौत आई थी? तुझे क्या जल्दी थी, मर क्यों रही थी? दीदी मैंने नहीं, उसने दीदी। उसने नहीं, तुमने, तुम दोनों ने पाप किया है। अरे मुझे देख, मुझे हसीन हूँ, आजाद औरत हूँ, पैसे वाली हूँ, 10-10 छोकरे थे मेरे पीछे, लेकिन रतन के सिवा कोई हाथ नहीं लगा सका मुझे। अब तू 1.5 फीट की छोकरी, तुझसे सबर ना हुआ? क्या मौत आ रही थी तुझे? क्या मौत आ रही थी? क्यों तूने अपने भाई की और मेरे मुंह पे कालक मली? मुझसे गलती हो, मुझे नहीं पता चला, मुझे माफ कर दो दीदी। गलती तो तुझसे हुई, पर मेरी बारी है। बता बता कहाँ है वो कमीना, कहाँ है आकाश? जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। दीदी उसका फोन बंद है और वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। अच्छा वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा तुझसे अब? अरे हाँ, वो क्यों बात करने लगा तुझसे? बिना पैसे बिना ब्याह उसका काम हो गया ना। अरे तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा, मैं रतन को क्या मुंह दिखाऊंगी रे? मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया दीदी, मुझे एक बार माफ कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूं। अरे क्या करूं, क्या करूं? याद रख, तूने और आकाश ने जो सूल्हे पे चढ़ाने का प्रोग्राम बनाया ना मुझे, उससे पहले तुम दोनों मरोगे। हाँ तुम दोनों मरोगे। रतन पहले तुम दोनों को खत्म करेगा, फिर मुझे और फिर खुद को भी। हाय मेरा रतन, हाय मेरा रतन, क्या करेगा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो, मैं प्यार के धोखे में आ गई थी। प्यार का नाम बदनाम ना कर रही, दूर हट पापन, अपने गंदे हाथ मेरे शरीर को मत लगा, दूर हो जा। तेरा रतन क्या करेगा? दीदी
तेरी मेरी जगह तुम्हारी अपनी सगी बेटी होती और उससे ही गलती हो जाती तो क्या तुम उसको कभी माफ ना करती? चली जा माला, चली जा मेरे, चली जा मेरी आंखों से दूर, दूर हो जा, चली जा। देख शीतल, मैंने अपने असूल बदल लिए। अब मैं किसी को मजबूर नहीं करती कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। मन चाहे तो बच्ची को भेजो, मेरे स्कूल के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर पूजा जैसा हाल होना है तो मेरी तरफ से ना समझो। मैं तो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहती। पहले भी उसको इजाज़त दे के बहुत पछता रही हूँ। ना जाने तुमने क्या घोल के पिला दिया है, वो इतनी बागी हो गई है कि मेरे कहने में नहीं है। तालीम बगावत और इंतहा पसंदी को खत्म करती है। मैंने उन्हें बर्दाश्त और हिम्मत का सबक सिखाया, ये नहीं जो तुम लोग सोचते हो, जो गलत सोचते हो। लेकिन फिर भी तेरे पास गिद्दड़ सिंह तो है जरूर, जो सारी की सारी दुनिया तेरे पास ही दौड़ी चली आती है। इन बातों को छोड़ो और मुझे बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस मोहल्ले में अपना स्कूल ना खोलो। अगर इसी रोजगार से तुम्हारे घर में रोटी पकती है तो तुम अपना कारोबार कहीं और जाके चलाओ। ना तो मैं इल्म बेचने का कारोबार करती और ना ही मेरी कोई मजबूरी, बेहतर है तुम अपने काम से काम लो। मजबूरी तो है, जाहिर है इस घर के अलावा तुम्हारे पास तो और कुछ भी नहीं, एक बीमार बाप है और हम नहीं चाहेंगे तुम्हारा कारोबार खराब हो। लेकिन फिर भी अपनी बेटियों को हम तुम्हारे पास खराब होने नहीं भेजेंगे। अपने घर पे बैठे हुए तुमने कैसे तय कर लिया कि तुम मुझे किसी भी काम से रोकोगे? बेहतर यही है कि तुम अपना हाल दुरुस्त करो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? तुम जेल में रहकर आई हो और जो तुम्हारे घर में आजकल चल रहा है ना, नंदनी कल चीख चीख के जो कह रही थी अपने पति के लिए, और वो मेरे कानों ने नहीं पूरे मोहल्ले ने सुना है। देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, बाद में पछताओगी तुम। इसी वक्त इस घर से निकल जाओ वरना तुम मुझसे ज्यादा पछताओगी। मैं तो तेरे कान का मेल साफ करने आई थी, बाकी तू बेखबरी में मारी ना जाए, वरना इस घर में कौन आता है? और देखती हूँ तू इस मोहल्ले में स्कूल कैसे खोलती है। Get out. Get out. क्यों रे शीतल, फिर आ गई तू? हैं? कल के ड्रामे से तेरा पेट नहीं भरा जो फिर फिल्म देखने आ गई पूरी? फिल्म तो मैं टिकट लेके देख ही लूंगी, लेकिन नंदनी ये तो बताओ कि माला को क्या हुआ है? बीमार है ये, डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। बीमार है? अच्छा, वो तो मुझे नजर आ ही रहा है, अंधी थोड़ी हूँ। हो हेलो, नमस्ते मेरे ना होने वाले ससुर जी। कैसा है बाबा? हाँ भीमचंद, क्यों फोन किया? कहा सुना माफ साईं, मैं अब भी कहता हूँ मान जा, तेरी सीता को मैं बड़ा सुख दूंगा। देख भीमचंद मेरी बात सुन, इंसान की एक जबान होती है जिसे वो एक बार हाँ या ना करता है, हजार बार नहीं। तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? देखो साईं, ना तो मैं नशा करता हूँ और ना ही कभी किसी पर जुल्म, बस थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ और वो भी कभी कभी। देखो मैं तुमसे नया रिश्ता बनाना चाहता हूँ दिल से, और जिधर नया रिश्ता बनता है ना उधर कभी थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। अरे तूने मेरी देवी समान बेटी पर कीचड़ उछाला है, मैं उससे तेरा ब्याह कभी नहीं करूंगा। मान जा बद्री, तेरी सीता बागड़ी है देवी नहीं। आंखें खोल कर देख बाबा, उसे तू मुझसे नहीं ब्याहेगा तो फिर कहां लेकर जाएगा?
मैंने 10 लोगों से पूछा है, उसका तेरे ही घर में रतन लाल से चक्कर है। अब तू अंधा है तो मैं क्या करूं? बकवास बंद कर। अरे फिर तूने फोन किया तो घर आकर इतने जूते मारूंगा कि याद करेगा। ओए बुड्ढे बंद कर गया साला। साला नहीं ससुरा। असली हैं और पूरे हैं। कहो तो हम हाथ बटा दें। मेरा हिसाब किताब कमजोर जरूर है, लेकिन जितनी मेहनत की उस हिसाब से कुछ भी नहीं। तूने क्या बालों से ट्रैक्टर खींच के दिखाया मुझे? हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरे साथ बिजनेस करेगी ना तो फिर शाम सवेरे बस मौजा यार देवड़े बस मौजा, समझी? वो तो ठीक है, लेकिन तेरे ये नोट मेरी नजरों में समाए नहीं मेरे दोस्त। आकाश चोपड़ा मारता है बंदा, लेकिन एहसान बदला और मेहनत का फल चुका देता पूरा। कभी धीरे धीरे मूड पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, तेरा प्रोग्राम अच्छा था इसलिए ये भी चलेगा। तोड़ेगा, घर जाके सोचेगी ना तो बहुत तेज दौड़ेगी। हाउ साईं, सुटवा। हाउ साईं, मैं तो सुट्टो हूँ पर तेरा बुढ़ड़ बद्रीनाथ बड़े नखरे करता है बाबा। अरे कराची में बैठकर धमकियां देता है। गोठ में होता तो तोते की तरह गर्दन मरोड़ देता और घट्टी में डाल देता। ओ ना साईं, गुस्सा तो अनाड़ी करते हैं, तुम तो पेशावर कातिल हो। ओ गुस्से से दूर रह कर काम किया कर और मजा किया कर। सामने आके ना फौजे लड़ती हैं, तेरे मेरे जैसे मासूम पंछी नहीं। आओ आओ तो फिर अब क्या हुकुम है बाबा? मैं शिकरा भेज कराची, मांस खोरना हो बस, बद्रीनाथ को बेहोश करना है और सीता को मांस खुद खाऊंगा। आ रहा है। अच्छा तो पेशावर कातिल हो तुम? आज तो मक्तूल। ओ सांसों की माला पे सिमरू मैं प्री का नाम। अरे सांसों की माला पे ये रतनलाल की दुकान है? नहीं भाई, चंदूटी फर्नीचर की दुकान है। अबे रंगीले कारतू, जितना पूछा उतना जवाब दे, ये तो साथ के साथ गोलियां ऐसी जगह मारूंगा किसी को बताने लायक नहीं रहेगा। भाई बड़े दिन बाद अच्छे मूड में था, गलती हो गई। जी ये उस्ताद रतनलाल की दुकान है और मेरा नाम प्रीतम उर्फ बिल्लू है। इतना पूछा उतना जवाब दे, ज्यादा बोलेगा तब भी गोली खाएगा। कहाँ है तेरा उस्ताद? भाई वो तनवीर भाई के पास कमेटी लेने गए हैं। बुला, फोन कर उसे। मेरा मोबाइल तो आप जैसे भाई ले गए, अपना मोबाइल दो, कॉल करता हूँ। नबीले लेके जाए इसे पीछे दुकान में, मैं यहीं वेट करता हूँ सुरमा भोपाली का। चल आगे चल, वरना मुंडी काट के चौक पे लटका दूंगा तेरी। अरे महाराज प्रणाम। और कैसी हो बेटी, और बद्रीनाथ कैसे हैं? उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं, आप शुद्ध ब्राह्मण हैं, मेरी बिनती पर उनकी सेहत के लिए खास प्रार्थना कीजिए। अरे जी बेटी, तुम तो खुद सीता हो, तुम हमारे लिए और बाबू के लिए प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा।
जी महाराज। और तुम्हारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा भाई? जी। ओए, कौन है तू? तू रतन लाल है? तो और तेरा बापू मेरी कुर्सी पे क्यों बैठा है? अबे हम जिसको चाहे कुर्सी पर बिठाएं और जिसको चाहे सर के बल गिराएं। आज तेरी बारी। क्या चाहता है? मुझे उठाने आया हूँ बे। क्यों? तेरा खाता बहुत लंबा हो गया, साले काट के छोटा करना पड़ेगा। ना 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 ना, 10 में से 20 गोलियां मेरी निशाने पे लगती हैं। ओ हाजी साहब। अरे नबीले बच्चा, अरे रुक साले जोकर की औलाद। मैंने तुझे कहा था मेरी बस हो गई है, मुझे इतना तंग ना कर कि मैं तुझे तंग कर दूं। फिर जो पापन कहकर मुझसे रूठ जाओगे इसलिए बस कर दे। और बदनामी के दरवाजे मुझ पर बंद कर दे। मैं सिर्फ तेरी सीता हूं, मुझे क्षमा कर दे भगवान। मेरी बेड़ी डूब गई है, उसे पार लगा दे। सीता, ये माला तुम्हारे साथ नजर नहीं आती, और ये क्या स्कूल बंद कर दिया है? वो माला की शादी हो रही है ना, इसलिए चीज़ों में मसरूफ़ है। और स्कूल खुल जाएगा, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना इसलिए। अच्छा सुनो, बद्री काका ने तुम्हारी शादी कराची से बाहर तय कर दी है ना, स्कूल क्या खराब चलाओगी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा सुना है। सुनी सुनाई पर इतना यकीन नहीं करते दीदी, जो होगा देख लेना। अच्छा सुनो सुनो, ये माला की शादी आकाश ठेकेदार से ही तय हुई है ना? हाँ। बड़ा ही सुशील लड़का है, मैं तो कहती हूँ माला की लॉटरी निकल आई है, तू भी कोई ऐसा ही लड़का देख के शादी कर ले। मशवरे का धन्यवाद, चलती। यार इसका कलर तो देखो, पानी गिर गिर के इतना खराब हो गया है। तू इधर आके बैठ, हर चीज में घुस जाती है, अपना काम कर। अरे कोमल, आज मेरी सबसे ब्राइट स्टूडेंट आई है, आ जा बैठ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते मेरी जान, कब से वेट कर रही थी तेरा। अच्छा इन तकल्लुफात में ना पड़, ये बता छुट्टियों में मेरे बगैर पढ़ाई की या फिर सिर्फ फिल्में ही देखती रही? अरे कहाँ, इतनी बोर मूवीज आ रही हैं आजकल के क्या बताऊं। वैसे मैंने मैट्रिक की तैयारी तो कर ली है, लेकिन सच तो यह आपके बगैर बड़ी मुश्किल हुई। अब नहीं होगी, क्योंकि तालीम एक ऐसा जुनून है जो पानी से भी तेज अपना रास्ता बनाता है। अब तो मैं भी फ्री हो गई हूँ, मेरे इम्तिहान खत्म हो गए हैं और अब मैं फ्री हूँ। तुम लोग तैयार हो जाओ, इंसान दोस्त फाउंडेशन से मेरी मीटिंग्स हो रही हैं, अब हम पहले से भी बड़ा सेटअप बनाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ आपके बारे में, चले रहने दे। ऐसी क्या बात है? इसका मतलब है कोमल अब हमसे कुछ छुपाने लगी है, बातों को सीने में दबाने लगी है। दीदी बुरा ना माना तो आपको एक खबर दूं? वही तो मैं सुनना चाहती हूँ, जो खबर बनके तेरी मुट्ठी में बंद है और तू मुझे दिखा नहीं। अच्छा दिखा दूंगी, आज सारा दिन मैं आपके पास ही हूँ। लेकिन ये बताएं, माला कहाँ है? हाँ मुझसे तो मिलती नहीं, मगर किसी परेशानी में जरूर है जो कम अज कम मुझे नहीं पता।
वो आएगी तो खुद ही पूछ ले। आकाश जैसा मुश्किल आदमी को पसंद करेगी तो परेशान ही रहेगी। तू आकाश को जानती है? बहुत अच्छी तरह से। आकाश चोपड़ा के अलावा सिर्फ एक शख्स जानता है और वो है आकाश चोपड़ा। समझा? तुम्हारा पार्टनर हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी जान गया हूँ। झूठ बोलता है तू। ये बता, तूने अपना शिकरा छोड़ा भीमचंद के? नहीं छोड़ा। साईं उसके पैर की डोरी खोल दी है और बोटी भी खिला दी है। सुबह को उड़कर तुम्हारे शहर पहुंच जाएगा और जिसकी कहोगे उसकी आंखें निकाल देगा। कल नहीं, आज। आज नहीं, अभी। शाम तक मैं बंदा कराची में मांगता हूँ भीमचंद। हाँ, मैंने गेम बना लिया। और एक दो दिन में जब हमारा बंदा बद्रीनाथ के सर पर पैसों की ऑफर लेकर खड़ा होगा तो एक खोकर तैयार रख, समझा? सब कुछ हो है ना साई, क्या हो गया? सब ठीक है। तेरी होने वाली दुल्हन सीता बागड़ी याद आ गई थी और अब मैं बहुत जल्दी में हूँ। आओ साई, आओ। अभी अपने ड्राइवर के साथ शिकरा भेजता हूँ, बस में बिठाया तो देर हो जाएगी। ओए जबरू, घर आना जरा। हाँ ठीक है, तुमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि पुलिस को इस हमले के बारे में बताना चाहिए था। और हमलावर की गन भी छीन ली तुमने। सर गन भी आपके सामने और मैं भी, बताएं क्या हुक्म है मेरे? जिम्मेदार शहरी होने का सबूत तो रतन लाल, जब तुम्हें गोलियां लगी थी मैंने तुम्हें समझाया था कि कायदे और कानून में रहकर काम करते हैं, बेवकूफ और दलेर में रत्ती बराबर का फर्क होता है। मैं जानता हूं कि तुम अकलमंद आदमी। आपको मेरे खिलाफ बाजार की यूनियन ने दरखास्त दी। हाँ, लेकिन अब उनसे लड़ने ना बैठ जाना। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने ही बाजार में अकेले पड़ गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप भी बताएं क्या करूँ? साथ रहो। जो ग्रुप तुम्हारी जान का दुश्मन है उसके मेन बंदे हमने उठा लिए, दो तीन लेफंटर बाकी हैं और वो भी तुम पर हमला करके फंस गए। देखो कभी कभार जख्मी शेर बड़ा नुकसान किया करता है, इसलिए ध्यान करो। सर मैंने उन पर चार फायर जरूर किए थे लेकिन जख्मी कोई नहीं। और मैंने जख्मी शेर तुम्हें कहा है सादी रूह? वो तो मक्कार गीदड़ हैं, दो टके की टीटी के साथ हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, पर अब नहीं। जी सर, मैं चलूं? ठीक है, लेकिन ख्याल रखना। सेठ, तेरा प्यारा पैर बच गया। बॉस ने मुझे बड़ी गालियां दी यार, तू भी दे दे। तेरा नाम ही विकी मेंटल नहीं है, तू असल में भी पागल है। मैं अकलमंद हूं, पता है क्यों? बचपन से घर में खाना हो या ना हो मैं चार मगज की सरदाई पीता था। तू भी पिया कर, शायद तेरी अकल काम करे। यार तू तो वैसे ही कमीनों का टीम का चैंपियन है, ऐसे प्यार से गाली देता है, साला मुझे भी शॉर्ट सर्किट को हंसी आ जाए। सेठ तू तो सरदाई पीता है, ये रतन लाल पता नहीं क्या पीते, साला मरते ही नहीं है। तीन हमलों में बच गए, बॉस तो मेरा नाक काटने के लिए छुरी तेज कर रहे। सांसें जो वो लिखवा के लाया है ना तो मैं छीन सकता हूँ ना तू।
काम करते हैं उसकी मौत का इंतजार करते हैं। एक तो सरकार की सख्ती ने पर्ची ठप कर दिए और ऊपर से रतनलाल मरते ही नहीं है। वो जिस बाजार में काम करते ना वहाँ से 2 लाख का बत्ता उठाता था मैं, और अब कोई 200 रुपए भी नहीं देते इसके वजह से। मरेगा, वो मरेगा, और मुझे विश्वास है कि वो तेरे ही किसी पंटर की गोली से मरेगा। मैं तो कहता हूं कि कोई क्रैकर, कोई हैंड ग्रेनेड उसके सर पे मार, कुछ तो कर। करता हूं इस बार पक्की फील्डिंग लगाऊंगा, और जितना वो जिएगा ना इतना मैं मेंटल होता जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम दे मेरे को, चल 2 किलो दुम्बे की कढ़ाई खिला। मैं शाकाहारी हूँ दोस्त, क्यों भूल जाता है? छोड़ यार, तेरे 1 किलो गोश्त और 6 सलाद का प्लेट कैसे भूल सकता हूँ, ये तो हर मुलाकात का मेन्यू है। ओ छोड़े, हाँ रे, जैसे तूने बताया था वही तो किया मैंने। 1/2 किलो दूध में 10 छुआरे ना। हाँ हाँ, दिन में 2 टाइम दूंगी तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बस ठीक है ठीक है। अच्छा माला, अरे माला, माला माला नहीं है तो रतनलाल चलेगा। अरे रतन, मेरी जान, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? बस आ गया, लेकिन तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है चेहरे का? नहीं नहीं, वो मैं रसोई में कुछ पका रही हूँ। क्या छुपा रही है मुझसे, बता दे डाकू। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, मैंने कभी तुझसे पहले कुछ छुपाया भला है? नंदनी, तू किसी भी सूरमा से ज्यादा बलवान हो, लेकिन आज तक मैंने तुझे ऐसे घबराए हुए नहीं देखा। कुछ तो खास बात है जो छुपा रही है। चल, कोई ऐसी बात ही नहीं ना, खास नाम मान जा ना मेरी बात। मान गया। तू झूठी हो ही नहीं सकती, लेकिन याद रख, अगर बंदा भी मारा ना तो आके मुझे बता दे, मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, लेकिन बाहर से कोई ऐसी वैसी बात मुझे ना पता चले जो तुझे बतानी चाहिए। अब छोड़ भी ना, अब क्या अपनी दार्जिलिंग की जान लेगा? जितना प्रेम और जीने की शक्ति तूने मुझे दी है ना, मैं तुझे जान दे सकता हूँ, दे नहीं सकता। मुझे कभी छोड़ेगा तो नहीं? तू मेरी मौत में इंटरेस्टेड है? नहीं, भगवान ना करे, तुझे अगर सुई भी चुभ जाए ना तो सुई बनाने वाला कारखाना जला के राख कर दूंगी। हाँ। तू मेरे प्यार में दर्जियों का काम ठप करवाएगी। अच्छा ये बता, माला रानी खुश है ना? शादी के काम में तेरा हाथ बटा रही है, काम खींचो उसके। हाँ हाँ, बड़ी खुश है वो, हाथ भी बटा रही है। आजकल तो बहुत हंसती है, हंसते हंसते आंखें भर जाती उसकी। सवेरे इतना हंसी कि फसली चढ़ गई उसकी, फिर मैंने माना तो ठीक हो गई। थैंक यू नंदू, तू ना होती तो मेरी और माला रानी का जीवन बिल्कुल बेकार था। अच्छा चल अंदर चल, मैं खाना लेकर आती तेरे लिए। Thank you.
क्या पता मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। कहा है ना तुम्हें मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, बीमार हूं मैं। माला माला माला, तेरी नाराजगी अपनी जगह और तेरे दिल में जो भी बात है ना उसे थोड़ी देर के लिए भूल जा, मुझे बता दे क्या हुआ। माला माला बता देना, जब कल दीदी तुझे खींच के लाई और बहुत मारा तो मैं बड़ी परेशान हुई, देख मुझे बता देना क्या बात है। क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकती। माला देख नन्नी, मैं तो एक आम सी दाया हूँ और ये तो पूरे 3 महीने हो गए हैं, ये काम तो कोई ट्रेन डॉक्टर ही करेगा। यही एक हल है। नमस्ते चाचा। नमस्ते, कौन है तू, पहचाना नहीं मैं। बद्री चाचा, मीरपुर खास से मुकेश कुमार। मैं सीता बागड़ी को उस घर में नहीं देख सकता। हाँ, वो उस घर पे और सीता की जवानी पे शीश नाग बनकर बैठा है, या तो उसका जहर निकाल दूंगा या फिर नेवला छोड़कर उसकी मुंडी कटवा दूंगा। किसकी मुंडी कटवाओगे आकाश बेटा?